हरियाणा के तमाम रोडवेज कर्मचारी 5 सितंबर को राज्य की सभी 4000 से अधिक बसों का चक्का जाम करेंगे। प्रशासन द्वारा 700 प्राइवेट बसें किराए पर लेकर चलाने के विरोध में ये हड़ताल की जा रही है। हरियाणा रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के नेताओं ने 5 सितंबर की हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए सभी डिपो का दौरा किया। इसी के मद्देनजर रोडवेज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के राज्य प्रधान दलबीर किरमारा फतेहाबाद पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ बस स्टैंड पर जमकर नारेबाजी की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार रोडवेज का पूर्ण निजीकरण करना चाहती है। इसी उतावलेपन के तहत प्रशासन ने 700 बसों को ठेके पर लेने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी मनमर्जी करके रोडवेज विभाग का निजीकरण कर कर्मचारियों को बेरोजगार करने का काम कर रही है। इसी के चलते कर्मचारियों ने आगामी 5 सितंबर को चक्का जाम करने का ऐलान किया है। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ किए जाने वाले इस विरोध में जनता से भी सहयोग की अपील की है। पूरे प्रदेश भर में हरियाणा रोडवेज के ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने 3 टीमों का गठन करके और जो रोडवेज विभाग में हरियाणा सरकार ने जो 700 रूट परमिट प्राइवेट हाथों को देने की जो बात कही है कि भाई किराए पर लेके हम बसें चलाएंगे, उसको लेके 5 सितंबर को पूरे प्रदेश भर का रोडवेज की सभी यूनियनें चक्का जाम करेंगे। इसमें हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जब 500 बसें हमारे पास खड़ी हैं और 900 कंडक्टरों की भर्ती की लिस्ट पूरी तरह से फाइनल हो चुकी है, जो हमारे किराए पर लेने की ज़रूरत नहीं है बल्कि 500 बसों को उनको चलाया जाए, रोडवेज में खड़ी है और कंडक्टरों को जो लिस्ट जारी करनी चाहिए उनको भर्ती करके और 500 बसों को रोडवेज अपने सड़कों के ऊपर दौड़ाया जाए। इसके साथ ही सरकार से बार बार रोडवेज की यूनियनों की बातचीत हुई है और ज्वाइंट एक्शन कमेटी के साथ सरकार का समझौता हुआ है, रोडवेज के कर्मचारियों की जो मानी गई मांगे थी उनको लागू किया जाए और निजीकरण के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने की का समझौता हुआ था, लेकिन सरकार बार बार समझौता तोड़ के और कर्मचारियों को मजबूर कर रही है कि रोडवेज का चक्का जाम करें। हम साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं इस चक्का जाम में जो सरकार रोडवेज के कर्मचारियों को बदनाम करना चाहती है ऐसा नहीं है, बल्कि सही मायने में रोडवेज विभाग एक ऐसा है जिसने जो छात्र हैं छात्राएं हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा है सरकार का, हम ही तो सफल कर रहे हैं, हम बेटी को बचा भी रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं कि आज जो गांव की लड़कियां हैं देहात में देहात की जो लड़कियां हैं शहर में पढ़ने का उनको मौका नहीं मिलता था, आज रोडवेज में 150 किलोमीटर तक उनको फ्री सफ़र करने की अनुमति है। इसी प्रकार से जो देहात से जो छात्र आते हैं वो मात्र थोड़े से पास पैसे दे के उनको पास सुविधा उपलब्ध करवा रखी है। इस प्रकार की जो सुविधाएं जो रोडवेज दे रही है उसको समाप्त करने के लिए सरकार ऐसा काम कर रही है, इसलिए जो रोडवेज की बस है वो गरीब की सवारी है और ये रोडवेज के कर्मचारियों को ही इसकी बचाने की जिम्मेवारी नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश भर के जो वो छात्र है किसान है मजदूर है सबकी जिम्मेवारी बनती है और इसीलिए इसमें रोडवेज के सभी संगठन हम एक साथ हैं और इसके साथ भी हम बिल्कुल पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि जो छात्र और छात्राएं हैं वो तो हमारे साथ हैं और पब्लिक भी हमारा साथ देगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है ज्यादा संघर्ष जो है ये जनता के हित का। एक दिन का हड़ताल रहेगी या चक्का जाम रहेगा? हाँ, इसमें ये है कि यदि सरकार हमारी 5 सितंबर की हड़ताल है, मंत्री जी कह रहे हैं कि भाई हमने 900 चालकों की लिस्ट जारी की है, मुख्यमंत्री को लिखा है कि इन जो नए भर्ती किए थे उन ड्राइवरों को नौकरी से निकाला जाए, एक तो हम ये कहना चाहते हैं ये सरकार की मर्जी के ऊपर है, यदि 900 तो छोड़ो एक कर्मचारी को भी निकालने का प्रयास किया तो उसी समय पूरे प्रदेश भर का चक्का जाम कर दिया जाएगा और जब तक उन कर्मचारियों को जो निकालने की बात कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि निकालना तो छोड़ो, जो कंडक्टरों की लिस्ट जो फाइनल हुई पड़ी है उसको जारी करो और सरकार कोई बहस दवेश भावना से इस प्रकार का काम ना करे। इन एक्सप्रेस के लिए फतेहाबाद से जितेंद्र मोगा की रिपोर्ट।